चंडिका, पहुंच गई होगी अब तो इन स्वादिष्ट मिठाइयों की खुशबू नन्ही परियों के पास। बस आ जाएंगे कुछ ही पल में हमारे पास। जाओ मिठाइयों की खुशबू नन्ही परियों के पास और ले आओ उन्हें जल्द से जल्द मेरे पास। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो और ये सब क्या है? अरे वाह, एक साथ तीन सवाल। अरे नन्ही परियों, मैं हूँ तुम्हारी छोटी सी दोस्त खेलकूद परी। मैं यहाँ तुम्हारे साथ खेलने कूदने आई हूँ। तुम्हें ये गर्मा गर्म और स्वादिष्ट जलेबियाँ खिलाने आई हूँ। जलेबी? तो नन्ही परियों, पहले हम लोग जलेबियाँ खाएंगे, उसके बाद खेलेंगे कूदेंगे। और वो भी यहाँ परी लोग में नहीं, एक नई जगह, यहाँ से भी सुंदर, पृथ्वी लोग में। पहले जलेबी, फिर खेलेंगे, और वो भी पृथ्वी लोग में। बहुत मजा आएगा। नन्ही परियां बहुत बोली हैं, उन्हें अभी तक अच्छाई और बुराई के बीच का फर्क पता नहीं, इसलिए तो कितनी आसानी से अच्छाई की सीमा लांघकर प्रचंडिका की बुराई की तरफ आ गई हैं। अब प्रचंडिका करेगी इनकी मदद से परी लोक का विनाश। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंडिका नाम है मेरा। जल्दी से ये गर्मा गर्म जलेबियाँ, फिर चलेंगे हम सब पृथ्वी लोक पर खेलने। है ठीक? गया हूँ थक मैं बहुत, बना बना कर ये गर्मा गर्म जलेबियाँ और मिठाई। तू करता मैं तो सावधान परियों, प्रचंडिका की बुराई का अंधेरा छा रहा है, क्योंकि एक बार फिर से विनाश होगा, क्योंकि एक बार फिर से काली रात का समय आ रहा है। देखो तौबा तौबा, कैसे नन्ही परियां बुरी परियों का रूप ले रही हैं। इन नन्ही परियों की जादुई शक्ति बहुत ही खतरनाक है, और बुराई और अच्छाई की लड़ाई में जिसका भी साथ देंगी उसकी जीत तो तय है। इसलिए मैं इनसे बुरे कार्य करवा रही हूँ, ताकि उन्हें अगले दोनों काले सितारे मिल जाए, फिर वो हमेशा के लिए मेरी तरह बुरी बन जाए और रानी परी की जान खतरे में आ जाए। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड नाम है मेरा। रानी परी, हमने परी लोग का कोना कोना देख लिया, लेकिन नन्ही परियां कहीं नहीं मिली। क्या नन्ही परियां अगर परी लोग में नहीं है तो वो गई कहां? कहीं प्रचंडिका उन्हें परिलोक से अपने साथ लेकर तो नहीं चली गई? रानी परी, अगर प्रचंडिका नन्ही परियों को लेकर भी गई हो
हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नन्ही परिया अच्छी और सच्ची है और उनकी जादुई शक्ति। सच्ची में तौबा तौबा, बुराई करने में और दूसरों को परेशान करने में जो आनंद आता है ना, वो और किसी चीज में नहीं आता। की बहुत कोशिश रानी परी ने इन नन्ही परियों को सच्ची और अच्छी परिया बनाने की, लेकिन देखो है बनना चाहती ये भी बुरी परिया ही। बस ऐसे ही हमें इन नन्ही परियों से और बुराई करवानी, ताकि इन्हें जल्द से जल्द तो काले सितारे मिल जाए और इनकी अंदर की बुराई पूरी तरह से जाग जाए और ये जाके रानी परी का अंत कर दे। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा बालजी कि नन्ही परियां आपको परेशान कर रही हैं। या फिर कोई और जो इनसे ये बुरे काम करवा रहा है। नन्ही परियों हमारी बात मानो, ये बुरी परी ये तुम सबसे बुरे काम करवाना चाहती है। नहीं नन्ही परियों, इसकी बातों में मत आओ, ये झूठ बोल रहा है, वार करो। नन्ही परियों मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो बुरी परी है, प्रचंडी का नाम है उसका। नन्ही परी वार करो। पर वार करो। हाँ, उस पर वार करो, वो बुराई की रानी है। बहुत हो गई बातें, खत्म हुआ बच्चों का खेल, अब वही होगा जो मैं चाहती। देखा नन्ही परियों, हम सच कह रहे थे, ये बुराई की रानी प्रचंडिका है। और चाहे जो हो जाए, तुम उसके बहकावे में मत आना, उसकी कोई बात मत मानना। हाँ नन्ही परियों, तुमने खुद अपनी आंखों से देखा ना, कैसे उसने अपना रूप बदल कर तुम सबको भटकाने की कोशिश की। बंद कर अपनी बकवास बाल सके, क्यों बार बार जीत को मेरी मुट्ठी से छीन कर हार में बदल देता है वो बालवीर। एक कदम दूर थी मैं अपनी मंजिल से, ऐसे लाकर खड़ा कर दिया मुझे वही जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। मैंने नन्ही परियों की शक्ति को परियों के बनाए हुए कवच को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया। बस अब यही समय है परिलोक पर आक्रमण करने का, जब परियों को पता ही ना चले कि हम उन पर आक्रमण करने वाले। अरे तो बुराई की रानी है, देर किस बात की? देर सिर्फ नन्ही परियों की, बुरी नन्ही परियां बनने की, और उसके लिए मुझे उन नन्ही परियों से जल्द कोई बुरा काम करवाना होगा, ताकि नन्ही परियों को उनका आखिरी काला तारा मिल जाए और वो बुरी बन जाए, और उसी समय रानी परी का अंत कर दे। मैं ऐसा करके रहूंगी, जरूर करके रहूंगी। दीजिए रानी परी, हमसे गलती हो गई, हमें मालूम ही नहीं था कि जो हम कर रहे थे वो गलत था। नन्ही परियों, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, अभी आप छोटी हैं, आपको इतनी समझ नहीं है कि आप अच्छाई और बुराई का फर्क समझ सके। आपको समझाकर जो कुछ भी करवाया जाएगा आप वो ही करेंगी। पर अब हम किसी की भी बात मानकर कोई भी बुरा कार्य नहीं करेंगे। हाँ रानी परी। शाबाश नन्ही परी, शाबाश। रानी परी, मैं जानता हूँ कि नन्ही परियां बुरी नहीं है, इनसे बुरे काम करवाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे कुछ अजीब लग रहा है। लेकिन रानी परी, पृथ्वी लोक पे मैंने जो इनका रूप देखा था वो बहुत अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें बुराई करने में बहुत खुशी मिल रही हो। वो इसलिए बालवीर, क्योंकि बुराई का रास्ता आसान होता है, वो हमें शक्तिशाली होने का एहसास भी दिलाता है। लेकिन बालवीर, अच्छाई का रास्ता बहुत ही कठिन होता है। उस रास्ते पर चलने के लिए हमें खुद को भुलाकर दूसरों की मदद करनी पड़ती है, और इसीलिए बालवीर, शायद इन नन्ही परियों को
बुराई का काम करने में आनंद आ रहा था। संभालिए माली। तुम फिर क्यों आई हो यहाँ? तुम अच्छी परी नहीं हो। अरे नहीं नहीं नन्ही परिया, मैं बुरी परी नहीं हूँ। ये देखो, मेरे तीन सुनहरे सितारे। ये परिया ना लगती भोली है लेकिन है बहुत चाला। पहले ये तुम्हें तीन सुनहरे सितारे पाने के लिए कहे, फिर अपना गुलाम बना देंगी हमेशा हमेशा के लिए। इन्होंने मुझे भी अपना गुलाम बनाना चाहा, लेकिन मैं बच गई। इसीलिए मैं तुम्हें भी इनका गुलाम बनने से बचाना चाहती हूँ। जैसा मैं कहती हूँ ना वैसा कर। नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। हमने तुम्हारी मदद की और इसलिए हमें काला सितारा मिला। तुम अच्छी होती तो हमें सुनहरा सितारा मिलता। नहीं नहीं मेरी भोली नन्ही परिया, बुरी मैं नहीं हूँ, बुरी वो परिया है। तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, इसलिए तुम्हें एक काला सितारा मिला। तेरे तीनों सुनहरे सितारे देखकर भी तुम्हें विश्वास नहीं हुआ कि मैं तुम में से ही एक हूँ? हाँ? हमने आपको अच्छाई की शक्तियाँ दी थी, बुराई की नहीं। नन्ही परी, हमने आपको पटका दी शक्ति इसलिए दी थी ताकि वो आपके काम आ सके, ना कि आपको पटका सके। यही अवसर है नन्ही परियो, ये साबित करने का कि आप सब अच्छी परिया है। अगर आप अच्छी और सच्ची बनेगी तभी आपको अच्छाई और सच्चाई का तीसरा सितारा मिलेगा। नहीं नहीं नन्ही परियो, इनकी बात मत सुनना नन्ही परियो, ये तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहती है। ये बच गए तो हम नहीं बच पाएंगे, लेकिन अगर ये सब समाप्त हो गए तो हम चारों मिलकर राज करेंगे राज। नन्ही परियो, आप सब छोटे बच्चे हैं, आपका काम खेलना कूदना है, अच्छाई का पाठ पढ़ना है, यूं अपनी शक्ति से विनाश करना नहीं। हाँ परियो, याद कीजिए कितनी खुश थी आप हीम क्रीम के खेतों में जाकर, हरी हीम क्रीम खा गई थी आप। याद कीजिए परियो, याद कीजिए। ये क्या कर रही हो बेवकूफ नन्ही परिया, तुम तीनों मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि अच्छी और सच्ची बन चुकी है और अच्छाई और बुराई में इन्हें फर्क पता चल चुका है। अब इस फर्क को तुम्हें समझना है प्रचंडिका। शाबाश नन्ही परियो, शाबाश, आज आपने सच्चाई और अच्छाई की मदद की है, हमें आप पर गर्व है। हम बहुत खुश हैं कि हमने सच्चाई और अच्छाई को चुना और इससे हमें और एक सुनहरा सितारा भी मिल गया। हमें भी रानी परी। रानी परी, अब हम कभी भी किसी की बात मानकर कोई भी बुरा कार्य नहीं करेंगे। खुश रहो परियो, खुश रहो। खुश रहो नन्ही परियो, खुश रहो। खुश रहो नन्ही परियो, खुश रहो। कई सौ साल पहले हमारे लोक में एक राज चित्रकार रंगीला रहता था। उसके पास एक ऐसा जादुई ब्रश था कि कोई भी इंसान उस ब्रश से अपना चित्र बना ले तो उस इंसान की अच्छी छवि उस चित्र में कैद हो जाती थी और उसकी बुरी छवि पृथ्वी लोक में बुराई फैलाने का काम करती थी। उस जादुई ब्रश की मदद से हमारी बुराई की दुनिया और भी बढ़ने लगी, लेकिन जब परियों को पता चला तो उन्होंने हम पर आक्रमण किया और पूरे लोक को काला और वीराना बना दिया हमेशा हमेशा के लिए। और उस राज चित्रकार रंगीला को भी यही एक चित्र में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया। अरे तो फिर रोका क्यों नहीं आपने परियों को? रोका था, लेकिन परियों ने धोखे से मुझे भी मौक्यूरी बनाकर अपने लोक में कैद कर दिया। अब मैं आजाद हूँ और अब मैं अपने बुराई के साथी रंगीला चित्रकार को भी आजाद करूंगी और उसके जादुई ब्रश की मदद से
बुराई के रास्ते पर मोड़ूंगी। हर तरफ ऐसी बुराई होगी कि अच्छाई का रक्षक बालवीर को भी मेरे आगे ने टेक नहीं होगी। अब हम जाकर रंगीला चित्रकार से मिलेंगे और जैसा मैं करूं वैसा ही तुम दोनों भी करना। है तुम्हारा रंगीला। शुक्रिया प्रचंडिका। रंगीला, तुम आजाद जरूर होगे, किन उसके लिए मुझे तुम्हारे जादुई ब्रश की जरूरत है। जरूर, मुझे तुम्हें अपना जादुई ब्रश देने में बहुत खुशी होगी। बंधु किसको बोल रहा है? बंधु नहीं, बंधु। हाय भाई। बंधु बोलना। हमारा बांग्ला में बंधु को बंधु ही बोलता है। क्या तुम? तुम्हारा खेलने का मन नहीं करता है ना? तो यार बैठा बैठा चित्रकारी करो ना इस सुंदर बात की। ठीक है, इसके साथ बैठने से अच्छा है कि मैं पेंटिंग ही कर लेता हूँ। चलो चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये लो ब्रश। ये कैसा ब्रश है? थोड़ा तुमको क्या करना है, तुम चित्रकारी करो ना। ये मार्केट में नया है। करो ये लो। करो करो करो। ये क्या हो रहा है? ये ब्रश तो अपने आप ही पेंटिंग कर रही है। चित्र नहीं, तुम्हें बुरा बना रहा है। तो मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया, अगर आइंदा मस्ती की तो उल्टा लटका दूंगा। खबरदार, अगर आइंदा तुमने अपने छोटे भाई को परेशान किया मैं तुम्हें पंखा बनाकर छत पे टांग दूंगा, फिर घूमते रहना गोल गोल, समझे? देख क्या रहे हो, खोलो इसे। मैं नहीं खोलूंगा और तुझे जो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे? लेकिन तुम्हारा भाई इतना बुरा क्यों है? नहीं नहीं बालवीर, मेरे भैया बुरे नहीं है, वो बहुत अच्छे है। पता नहीं उन्हें आज क्या हो गया, आज पहली बार उन्होंने मुझसे ऐसा बर्ताव किया है। बच्चों, ये पेंटिंग इंटर स्कूल कंपटीशन होगी और इस कंपटीशन की एक स्पेशल थीम भी होगी और वो थीम है वो तो आपको सोचनी है।
हाँ तो बच्चों फटाफट पेंटिंग बनाने की एक जोरदार थीम सोच लो। और ये कंपटीशन का जो भी विनर होगा उसकी फोटो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आएगी। यस। पेंटिंग बनाने में जो भी सामान लगेगा वो इनकी कंपनी प्रोवाइड करेगी। तालियां। और ये रहा वो सब सामान। तो बच्चों पेंटिंग की तैयारियां शुरू कर दो। आएगा अब मजा। बनाओ बच्चों पेंटिंग बनाओ, शायद इसके बाद तुम्हें कुछ और बनाने का मौका ही नहीं मिले। एक बात समझ में नहीं आई। सिर्फ एक बात? अरे है लगता मुझे तो नहीं आता तुम्हें तो कुछ भी समझ। हाँ, और ये बात समझ में नहीं आती कि क्यों रखा ये बेकार और बेवकूफ तबा तबा को अपने साथ। क्या समझ में नहीं आया तुम्हें शातिर परी? यही कि क्यों रखवा रही हो ऐसी चित्रकारी प्रतियोगिता? सीधा बालवीर से चित्र बनाकर उसी पे वार क्यों नहीं कर देती? हाँ। क्योंकि बालवीर हर बार मेरे वार का कोई ना कोई तोड़ निकाल ही लेता है और बच जाता है। इसीलिए इस बार मैं बालवीर को सामने से नहीं बल्कि किसी और के कंधे पर बंदूक रख कर वार करूंगी। जब तक रंगीला आजाद नहीं होता हमें बालवीर और परियों के पीठ पीछे चुपचाप अपनी योजना को पूरा करना पड़ेगा। इसीलिए जाओ और जाकर वो काम पूरा करो जिसके लिए मैं ये ब्रश लेकर आई हूं। ठीक है, मरे अभी जाकर उसका ब्रश बदल कर देता है। मुझे यहाँ किसी बुरी शक्ति का आभास हो रहा है लेकिन यहाँ पर कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है। बंद करो सब लोग! दोस्तों हट जाओ यहाँ से, यहाँ से यहाँ जाओ। मनी, मनी तू क्या कर रहा है? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, अभी मैं करूंगा। मनीष ये तो क्या बोल रहा है? मनीष तू पागल हो गया क्या? बालवीर, बालवीर बचाओ! और जोर से बुलाओ बालवीर को। तुम्हारी आवाज चित्र से बाहर नहीं जाएगी। और बालवीर अगर तुम्हारी आवाज नहीं सुन पाएगा तो तुम्हें बचाने कैसे आएगा? मैं हूँ रंगीला, बुराई के रंग फैलाता हूँ, अच्छे बच्चों को बुरा बनाता हूँ। तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चिंता मत करो, तुम दोनों ज्यादा दिन तक यहाँ अकेले नहीं रहो क्योंकि बहुत जल्द तुम जैसे अच्छे बच्चों की और बहुत सारी अच्छी छवियाँ यहाँ आने वाली है। हम यहाँ लाकर तुम्हें क्या मिलेगा? आजादी, आजादी मिलेगी। बस यूं समझ लो कि तुम्हारी कैद ही मेरी आजादी की चाबी। ये गलत कर रहे हो, बालवीर को पता चला तो तुम्हें बहुत कड़ी सजा देगा। सजा देगा रंगीला को? अरे भोले नादान बच्चों, उल्टा ये मनाओ कि बालवीर यहाँ आए ही ना, क्योंकि अगर वो यहाँ आ गया तो वो भी तुम्हारी तरह यहाँ हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाएगा और उसकी बुराई वाली छवि
नीचे धरती पर बुराइयां फैलाएंगी। जरा सोचो कितना अच्छा होगा, बालवीर बच्चों का रक्षक, देगा बच्चों को ही दर्द। पृथ्वी लोक पर इतनी बुराई फैला कि बालवीर को पता ही ना चल सके कि वो बुराई को कहां से दूर करना शुरू करे, और जब तक उसे समझ आए तब उसके पास हाथ मलने के अलावा और कोई चारा ही ना बचे। ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। शाबाश।